आजकल रानी मुखर्जी की जुबान पर बस एक ही शब्द है, अय्या, क्योंकि यही है उनकी आने वाली फिल्म का नाम। इस फिल्म में रानी मुखर्जी नजर आएंगी मराठी मुलगी के किरदार में, और आजकल रानी को भी है दूल्हे की तलाश। जी हाँ, दिखाते हैं रानी से हमारी खास बातचीत। सुनिए सुनिए सुनिए, ब्राह्मण परिवार की लड़की, उम्र 22 साल के हो। शर्मिली कौन शर्मिली? मीनाक्षी। उसमें है वो सारे गुण जो एक आदर्श भारतीय पत्नी में हो। किस गधे ने लिखकर भेजा ये सब? महीने महीने महीने। मैं हूँ रानी मुखर्जी, आप लोग कैसे हैं? आमी रानी मुखर्जी, आपनारा केमन आछेन? हाय, आई एम रानी मुखर्जी, हाउ आर यू ऑल? नमस्कार, मी रानी मुखर्जी, तुम कैसे हो? रियल जिंदगी में ये बंगाली है, फिल्म में मराठी बनी है और प्यार में पड़ जाती है एक साउथ इंडियन से। बुरे लोग नहीं, मुझे काले लोग पसंद है। सूर्या, क्या जानते तुम उनके बारे में? ये कैसे कहना है, तुम मुझे प्यार दो, मैं तुम्हें इडली डोसा दूंगी। ऑल नाइट और तमिल चैनल देखो, मिट्रेट मसाला। आपकी हीरो भी साउथ इंडियन है फिल्म में? जी, मुझे एक्चुअली साउथ इंडिया और साउथ इंडियन से बहुत मतलब प्यार है, क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर, वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स आर ऑफ कोर्स रजनीकांत, दी रजनीकांत गारू, एंड ऑफ कोर्स कमल हसन जी। सो रजनीकांत एंड कमल हसन आर माय टू मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, एंड माय हीरो स्पेशली पृथ्वीराज। ही इज फर्स्टली इज वेरी हैंडसम, and he is really really a very good actor. जी, पोहे बहुत अच्छे बनाती है, और शिखंड तो मतलब इतना सुंदर बनाती है कि आप उंगलियां चट्टे चट्टे उंगलियां खा जाओगे। ये लाइफ में कुकिंग वुकिंग कर पाती है? कुकिंग कर पाती हूँ, पोहे तो मैं मतलब बना ही लेती हूँ, और चाय भी बना लेती हूँ, श्रीखंड नहीं बनाना आता। ओके, और कोई बंगाली डिश खास तौर पर जो आपको अच्छे से आती हो? बंगाली डिश नहीं, बंगाली डिश मेरे ख्याल से मैं रसगुल्ले बना सकती हूँ। अरे भाई, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या हंसी, शर्मीली है। एक पोज कैसे होता है शर्मीली का, एक बार बताइए। अगर अय्या, मैं ये जानना चाहता हूँ अय्या का मतलब क्या होता है, अय्या बोला कैसे जाता है पहले तो? अय्या एक्चुअली आप अगर कोई भी महाराष्ट्रियन फैमिली से या उनसे बात करें तो अय्या एक ऐसा शब्द है जो वो अपने रोज की जिंदगी में ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब नॉट ओनली अय्या, तीन वर्ड्स है, अय्या इशा अगबाई, अय्या इशा अगबाई। तो कोई भी सेंटेंस के पहले वो लोग कहते हैं अय्या ये आप कहाँ जा रहे हैं, या इशा ये कहाँ क्या हो गया, और अगबाई ऐसा भी होता है, तो दे यूज दीज वर्ड्स। नक्षी बेटी, आप है माधव राजाध्यक्ष? मैं आपको गाना सुनाऊं? नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरा गाना। पता कर देता है, मगर पब्लिक कहेगी हाँ 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 सुनना है, कोई जगह दो लाइन आप गुनगुना सके। चलिए, मैं फिल्म का ही मैं गाना कर रही थी, ड्रीम ऑन वेक अप ऑन क्रिटिकल कंडीशन। ड्रीम ऑन वेक अप ऑन क्रिटिकल कंडीशन, अर्थम क्विक अप ऑन हिलेडुलो सब शेक अप ऑन। फिल्म में आपने कहा है कि आप एक लड़के की तलाश कर रही हैं, रियल जिंदगी में किस तरह का लड़का चाहती हैं रानी मुखर्जी? फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि मतलब हिले डुलो सब शेक अप ऑन, जैसे कि दिल दिल को शेक करने वाला अगर कोई मिल गया तो डेफिनेटली समवन लाइक हिम, समवन लाइक हिम। जी, रिश्ता मंजूर है। 5 फुट 3 4 इंच 7। अब हम माधव और मीनाक्षी के लिए एक डबल बेड बनवा रहे हैं। अब तक तो माधव अकेला ही सिंगल बेड पर सोता था, और अब तो ईशा, कितना ये मेलोड्रामा। हम ये कहेंगे कि आप इनकी फिल्म देखने आई है और ये आपको कंप्लीट एंटरटेनमेंट देंगी। कैमरा पर्सन राजू रामदार के साथ धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक। तो मूवी मसाला में वक्त हो चला है एक छोटे से